तुम्हें मालूम है ना, हमारी संस्कृति में काले रंग के पेड़ पौधों को शैतान के साथ जोड़ा जाता है। जी गुरुजी। यीशु जो पौधा उगा रहा है उसमें ये बीज डाल देना। बच्चे जब अपने उगाए पौधे लेकर आएंगे तो यीशु का पौधा देखकर हैरान हो जाएंगे कि उसने ये क्या उगाया है। गुरुजी, क्या ये करना ठीक रहेगा? अरे ये ईश्वर का काम है और ईश्वर का काम कभी गलत नहीं हो सकता। ईश्वर का काम है ये। और देखो, यीशु के यहाँ से जाते ही तुम्हारे बेटे की राह में सफलता ही सफलता होगी। अरे यीशु, ये अपने बीज देखने आए हो ना? सैर पर जाने से पहले यीशु अपने पौधे से मिलना चाहता था। बहुत बढ़िया यीशु बेटा, मिल लो अपने पौधे से। हाँ, मुझे भी घर का कुछ काम है, बस ये पानी डाल के मैं घर का काम कर लेती हूँ। मैंने तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी ली है। इस पानी के माध्यम से तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो। मैं माँ के साथ शहर पर जा रहा हूँ, शाम को आकर फिर मिलता हूँ। अफसोस, तुम्हें निराश होना पड़ेगा यीशु, क्योंकि तुम्हारी चाची की मेहरबानी से इस गमले में कोई सुंदर फूल नहीं खिलने वाला। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। क्या सोच रहे हो यीशु? माँ, रब्बी गुरुजी ने कहा था कि हम जो बीज बोते हैं उसी का फल पाते हैं। अगर मुझे इमली और बेर दोनों उगाने हो तो दोनों के बीज बोने होंगे ना? हाँ, और हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो कैसे माँ? वो ऐसे अब ये है इमली और ये है इमली का बीज। इमली का बीज बोएंगे तो बहुत बड़ा इमली का पेड़ बनेगा, है ना? और हमें बहुत सारी खट्टी मीठी इमलियाँ मिलेगी। लेकिन जरा सोचो, अगर इसी जगह कोई विषैला बीज बोएंगे तब क्या होगा? बीज विषैला हुआ तो उसका फल भी विषैला ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा। सोचो मत, याद है ना रबी गुरुजी ने क्या कहा था? यीशु जाएगा तभी तुम्हारे बेटे की किस्मत चमकेगी। हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वे उस बीज की तरह होते हैं। इसका मतलब ये, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो बुरा फल कभी मिल ही नहीं सकता, है ना माँ? बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। सृष्टि के नियमों को तोड़ना शौक है मेरा। वादा है तुमसे यीशु, अब जो भी होगा उसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। जल्दी ये पौधा बढ़ेगा और इसमें से सुंदर लाल फूल खिलेंगे। पता नहीं ये बीज कब उगेगा ताई जी। बेटा धीरज रखो, अभी सिर्फ एक दिन ही तो बीता है। मैं जानती हूँ कि यीशु भैया का पौधा सबसे सुंदर और सबसे अच्छा होगा। हो ही नहीं सकता, मेरा पौधा सबसे अच्छा होगा। एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने पौधों के ऊपर से ये पर्दा हटाएंगे ताकि यहाँ उपस्थित सब बच्चे और उनके माता पिता उसे देख सकें। ठीक है? मूल्यांकन सबके सामने होगा। जिसका पौधा जितना अच्छा होगा उसी के हिसाब से उसे अंक दिए जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले तुम दिखाओ अपना पौधा। बहुत अच्छे। अच्छा है। मनु दिखाओ। यीशु बेटा अपना पौधा दिखाओ। दिखाओ यीशु दिखाओ। अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। अरे काला पता, ये तो अपशगुन है। हाँ, ये तो अपशगुन है। अच्छा पौधा है ये तो शैतानी पौधा लग रहा है। ये काला कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? यीशु ने तो लाल फूल का बीज बोया था। हाँ, पता नहीं ये कैसे हो गया। ये तो जहरीला पौधा है। मजा। क्या तुमने इस पौधे का बीज खुद बोया था? ना 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 ना, इधर उधर मत देखो, मुझे देखकर जवाब दो, हाँ या ना? हाँ, मैंने बोया था। और तुमने इसकी देखभाल भी खुद की थी? अपने हाथों से ही इसको हर रोज पानी दिया था? क्या ऐसे ही पौधे का बीज बोया था तुमने? सुना आप सब लोगों ने ना, यीशु ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने अपने हाथों से बीज बोया, पानी दिया, एक सप्ताह तक स्वयं उसकी देखभाल की, और नतीजा ये देखिए। आप लोग तो जानते ही हैं ना कि मान्यताओं के अनुसार यदि बोया कुछ जाए और पैदा कुछ और हो जाए, और वो भी काला, उसे शैतान का प्रकोप माना जाता है। लेकिन गुरुजी, मैंने तो लाल फूल का बीज बोया था, पता नहीं ये काला कैसे हो गया। मुझे मालूम है बेटा, तुम्हारे ऊपर शैतान का साया है। इसीलिए तुमने शैतान का काम किया है। ठीक वैसे ही जैसे मिस्र में किया था। ऐसा क्या हुआ था मिस्र में? ऐसा क्या हुआ था मिस्र में? अरे ऐसा क्या हुआ था मिस्र में? ऐसा क्या? क्या सच में इस बालक पर शैतान का साया है? मिस्र? क्या किया था यीशु ने मिस्र में? गांव वालों, मेरे प्यारे गांव वालों, अब समय आ गया है जब इस यीशु की पृष्ठभूमि के बारे में आप लोगों को बताया जाए। इसके हाथों से शैतानी काम होना कोई नई बात नहीं है। आज फिर से साबित हो गया कि यीशु के ऊपर शैतान का साया है, शैतान का साया। लेकिन रब्बी गुरुजी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। गाँव वालों, यीशु ने तंत्र मंत्र और शैतानी शक्तियों के सहारे मिस्र में एक मृत बच्चे को जीवित किया था। अरे ईश्वर की संतान की आंखों में आंसू। लगे रहो रब्बी गुरुजी, लगे रहो, जहर फैलाओ यीशु के लिए सबके मन में। जिस बच्चे को जीवित किया था ना, वो गांव के मुखिया का बेटा था। जीवन नाम था उसका। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप लोगों को इसी कारण से मिस्र नहीं छोड़ना पड़ा था। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने जीवन के लिए बस प्रार्थना की थी और कुछ भी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ गुरुजी। सच तो वो है जो मैं कह रहा हूँ। जिस शैतानी शक्ति से तुमने जीवन को जीवित किया था ना, उसी शैतानी शक्ति से तुम्हारा ये पौधा आज काले रंग का उगा है। गांव वालों, अब तो आप सब लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। देखो, हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि इन शैतानी शक्तियों का यहाँ रहना हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। देखो देखो देखो, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि यीशु और उसके माता पिता को देश से निकालने का निर्णय तुरंत लेना चाहिए। तुरंत। हाँ हाँ, देश निकाला देना चाहिए इनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। दे देना चाहिए इन्हें देश निकाला। ना बाबा, मैं अपने बच्चे को कभी ना आने दूं इसके पास। बरसों की मान्यता है, काला पौधा उगने का मतलब ही यही है कि इस पर कोई शैतान का साया है। हमें अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। अपने बच्चे को क्यों? कैसा महसूस हो रहा है ईश्वर? आपके पुत्र को लोग मुझसे जोड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। फिर बताइए आप लोगों की क्या राय है? इन लोगों को रखा जाए या मुझे कुछ कहना है गुरुजी। मुझे नहीं मालूम कि काले पौधे और शैतान के बीच क्या संबंध हो सकता है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा पौधा काला कैसे हो गया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पौधा परमपिता परमेश्वर की देन है। माँ कहती है कि जैसी करनी वैसी बननी, और मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया गुरुजी। यीशु, 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 बेटा थूको इसे। ये जहरीला पौधा है, थूको इसे। यीशु, चिंता मत कीजिए माँ, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। यीशु भैया ये देखिए